वो आपके लिए थोड़ा सा ड्रामेटिकल है आ, इस वीडियो को मैं मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहूँगा कि इसको जो है वो मेरी बातों को डराना मत समझिएगा इसको समझाना समझिएगा अगर किसी फ़र्द को पता चल जाए कि आगे रास्ता ख़राब है तो यकीन वो अपना रास्ता तब्दील करता है और आ, आ, या उसको पता चल जाए आगे ड्राइवर चले तो अपनी स्पीड कंट्रोल कर लेता है इस तरह वो नुकसान से बच जाता है कुछ लोगों का ये मानना है कि जो होना है वो ही होना है मैं उन लोगों से कहता हूँ कि ऐसा नहीं है आप कलामुल्ल्ह स्टडी कीजिए बंदे को इंसान को बाख्तियार बनाया गया और इसमें वो मदद हासिल कर सकता है दुआओं के जरिए सदक के ज़रिए अपने परवर की सिर्फ वो ज़ात है जो आपके मामला को तब्दील करती है लेकिन जो आपके अपने इख्तियार में है वहाँ की हद तक तो आप जवाबदेह हैं इसीलिए तो आपका जजा और सजा का एलिमेंट है तो मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले आपके अपने रूलिंग प्लानट सन से सन आपके जायचे के आठवें घर में मौजूद है आठवां घर ये बहुत अच्छी जगह नहीं है आठवें घर में जब सन आता है तो मोस्टली इंसान को जो है वो अनएक्सपेक्टेड तौर पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ता है लोग जो हैं वो उसकी बात को समझते नहीं हैं उसको वैल्यू नहीं दी जाती ये चीज़ें उसके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस वो चीज़ है जिसके बिना पर वो सारा कुछ कर रहा होता है आप देखें ना ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे एक शख्स जो है उसकी दोनों टाँगें काट दिए आप वो चलेगा कैसे अब ये बिल्कुल उसी तरह से है सो इसमें आपने ख्याल करना है सेकेंड जिसको हम कहते हैं सोने पे सुहागा ये है कि आपके खाना माल का हाकिम से रहा जो कि आपके ग्यारहवें का भी लॉर्ड है या आपके जायचे के आठवें घर में ही सन के साथ मौजूद है इस वक्त कम्बस भी है और डेबिलटेड भी है और फिर ये ग्यारहवें मौजूद मार्स के साथ जो है ना इसने तरबीब भी बनाई है जो कि इसके अरबी उसके हम इसको कहते हैं एक नेगेटिव एक्सपेक्ट है तो अब आप जो है कुछ अखराज में तेज़ी का सामना होगा जो कि तेज़ी आपकी अपनी वजह से भी होगी अनएक्सपेक्टेड अखराजात भी होंगे और कुछ आपका स्पाउस भी जो है वो फजूल खर्ची पर आमादा होगा और उसको इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं होगा इस वक्त के भी आपके हालात किस तरफ जा रहे हैं आपने जो सिर साइड की हुई थी जो बचत की हुई थी वो अब जो है वो बिल्कुल ऐसे कि जैसे पानी के साथ रेत बह जाती है या जैसे चीनी जो है वो पानी में घुल जाती है वो ही पोजिशन होगी फिर डिफरेंट काइंड ऑफ फियर जिसमें एक चीज का फियर जो जिसको मैं फाइनेंस कहूंगा उसका फियर भी आपके साथ साथ इसो जो है वो चल रहा होगा यहां पे एक चीज और बड़ी अजीब है वो ये है कि आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए एग्रेसिव भी हैं पॉजेसिव भी हैं और आपको ये भी फियर है कि अगर मैंने ख्वाहिशात की तकमील की तो फाइनेंस मेरी जो है वो लॉस कर जाएगी तो ये चीजें इस हफ्ते आपको बड़ी खुल के जो है वो आपके सामने आएंगी और आपको इसको टैकल करना है दो सबकात स्ट्रॉली रिकमेंड करूंगा एक तो हर बुध को आधा किलो मूंग साबत का सदका दीजिए मरकरी ने यहाँ पे जो है वो तकरीबन 19 मार्च तक रहना है तो 19 मार्च में दो बुध आ जाएं तीन बुध आ जाएं आधा किलो मूंग साबत या पांच सौ ग्राम या पांच किलो सब्जी का सदका जरूर दीजिए सदका हमेशा अपने सिस्टम के मुताबिक दिया करें अगर आपको परवरदिगार ने ज्यादा अता किया है आपका सिस्टम बड़ा है तो बड़ा सदका दीजिए और अगर कम है तो कम दीजिए अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं करते हसमें तोफीक दे दीजिए सदका जरूर दीजिए दूसरा आ, एक किलो या दस किलो गंदम या दाल चना ये देना बहुत अच्छा है और अगर आप अफोर्ड करते हैं तो अपने वजन के बराबर गंदम का सदका इतवार वाले दिन दीजिए मर इसने सन ने जो है वो 21 मार्च को यहाँ से चले जाना है 21 मार्च तक जितनी भी इतवार आ जाएं इन सदक़ात को आप जो है वो नोट कर लीजिए और तीसरी चीज़ वो एहतियात है वो ये कि अपनी जो है वो ख्वाहिशात की तकमील के लिए अग्रेसिव मत हों इस वक्त गलत फैसले हो जाएंगे जल्दबाजी में किए गए फैसले नुकसानदेह होंगे ठीक इसी तरह अपने दो अहबाब से भी किसी भी किस्म की चपलिश से आपको गुरेज करना है और लोन के लेन देन से स्पेशली दोस्तों के साथ लोन देन देन से आपको कतई तौर पर गुरेज करना है अब मैं आता हूँ फुल मून होगा आपके जायचे के आ, दूसरे पार्ट में ही आपके लिए अच्छी खबर है और ये होगा सात मार्च को सात मार्च को आ, मून जो है जो कि आपके बारहवें का रिप्रेजेंटेटिव है आपके दूसरे घर में जो है वो ये फुल मून होगा मुलक से या कहीं दूर दराज से आपको सपोर्ट मिल सकती है आपका कोई बहन भाई जो बैरमलक मुकीम है आ, या आ, 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 आप, आपकी फैमिली में से कोई जो है जो कि आपके बरमी में वहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकती है और उन लोगों को अभी माली फ़वद मिलेंगे जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें जिनका जरा आमदन जो है वो पाकिस्तान से बाहर है उनको यहाँ पे अच्छी सपोर्ट मिलेगी इसके अलावा आप अपनी जात के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे आप स्पिरिचुअलिटी पे काम करेंगे स्पिरिचुअलिटी के हवाले से आप पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे आप में जो स्पिरिचुअल वाले परफॉर्मेंस है उसमें नजमो ज़ब्त आपके जो है वो इंक्लूड हो जाएगा और ये टाइम आपकी आ, सेल्फ ग्रोथ का आपकी फ़िज़िकल अपेयरेंस का फ़िज़िकल फिटनेस पर हेल्थ पे फोकस करने का टाइम होगा और यहाँ पे आप इंशाल्लाह ये करते नज़र आएंगे इसके अलावा जुपिटर और वीनस आपके जाए के नाइन्थ पार्ट में बहुत ही अच्छी पोजीशन में जो है वो मौजूद है वीनस जो है ये आपके दसवें कैरी रोज़गार का भी लॉर्ड है और तीसरे बहन भाइयों से भी लेट करता है नज़दीक और दूर के सफ़र दोनों बेहतरीन सिस्टम में चल रहे हैं विजम आपका डेवलप होगा दो दोस्त अहबाब नहीं बहन भाइयों से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ट्रैवल कर सकेंगे और इसके अलावा अगर आप विलिंग हैं तो आपकी मंगनी तय पाने के इम्कान जो हैं वो रोशन होंगे आ, अगर आप ख्वाहिश सकते हैं तो कोई सफर भी आपको मिल सकता है जो कि आप अपने कैरी रोजगार के वाले से भी कर सकते हैं और ज्यारत मुकदसा या उम्र की सादत भी हासिल कर सकते हैं मुमकिन है कोई ऐसा प्लान बन जाए जिससे आप ये दोनों ट्रैवल एक ही सीक्वेंस में जो है वो कर लें यानी दोनों काम ये कुछ इस तरह का भी एडवेंचर जो है वो आपका इस वक्त हो सकता है जो वरब और बे अपने बहन भाई दोनों तरफ से आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा आप पहले से कहीं ज़्यादा जो है सोशल हो सकते हैं बिलखसूस बिलखसूस बच्चों के साथ कोई ट्रैवल का प्लान आपका जो है वो बन सकता है इनामी स्कीम में पार्टिसिपेशन करना भी इस वक्त बड़ा आपके लिए इंशाल्लाह ज़बरदस्त रहेगा इस वक्त आप प्रिपरेशन करेंगे अपने कैरियर रोजगार में जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से और इंशाल्लाह इसमें आपको कामयाबी मिलेगी आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो रूबी होता है रूबी पहनिए अपने हाथ में ये आपको सन की कम होती होती जो चीज़ें हैं या जो आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से मुतलका मामला हैं इन चीज़ों को इन बेटरमेंट की तरफ जो है वो लेके जाने में आपको हेल्प करेगा उसके बाद मैंने कहा था कि ये तब्दीलियों का हफ़्ता है तो इस हफ्ते में सात मार्च को सेक्टन जो कि आपके जायचे के सातवें घर में मौजूद था ये अब जायचे के आठवें घर में जो है वो आ जाएगा और यहाँ पे आके ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा छठे घर का लॉर्ड अगर आठवें घर में आ रहा है तो ये स्पेशली स्पेशली आपकी हेल्थ के लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक होगा कुछ अज्दवाजी ज़िंदगी के मामला कुछ वरासती मामला इन चीज़ों में प्रॉब्लम होगी मैंने इस हवाले से एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई है इन शाला सेटरडे नाइट को वो आपको मिल जाएगी हमारे जो वो लोग जो कि इंडियन नजूम को फॉलो करते हैं इंडियन सिस्टम को फॉलो करते हैं अगर आठवें घर में सेट्टन आ जाए तो वो इसको कहते हैं कि ये ढाया है ढाया वो इसलिए कहते हैं कि ये ढाई साल के लिए यहाँ पे आया है और यहाँ पे इसकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं काउंट की जाती तो ये आपके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक होता है स्पाउस रिलेटेड मामला ज़िंदगी के मामला इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना होगा तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको बर वक्त जो है उसकी इंटीमेशन मिले तो आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिए ताकि बर वक्त ता आपको तमाम वीडियोज़ मिलती रहे इसके अलावा सेटन के एस्पेक्ट्स होते हैं और वो भी एस्पेक्ट्स भी जो है मैंने उसी वीडियो में जो है डिस्कस किए हैं आपके लिए मैंने साठ सदी के बारे में भी उसमें बताया इनशाला आपको अच्छा वहाँ पर रिस्पांस मिल सकेगा नॉलेजेबल होगी इनशाला आपके लिए फिर आ, ये क्या हर लियो को मुतासर करेगा हर लियो को एक जैसा मुतासर करेगा तो इसके लिए आपको अपने इंडिविजुअल बर्थ चार्ट की तरफ जाना होता है उसके लिए भी आपके लिए फर्स्ट से आठ मार्च जो है आपके लिए डिस्काउंट ऑफर हो चुकी हुई है अगर आप अपना इंडिविजुअल बर्थ चार्ट बनवाना चाहें आ, इस मामले में या किसी भी मामले में कोई भी आप तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके तो अपनी अपॉइंटमेंट जो है बुक करवा सकते हैं इस उम्मीद साथ जहाँ चाहूँगा कि आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और यकीन अगर आपने इसको अंडरस्टैंड किया तो आप अपने लिए फला का रास्ता ज़रूर तलाश कर लेंगे प्लान बेहतरीन से मैं परवरदिगार से दुआ गूँ कि परवरदिगार आपकी तमाम मुश्किल को जो है आसान फरमाई जा चाहूँगा अल्लाफ़

बड़ा ही नॉर्मल अंदाज़ में है लेकिन सात तारीख को आपके जाएचे के फर्स्ट हाउस में ही जो है वो मून जो है ये फुल मून की पोजीशन में आएगा मून जो कि आपके ग्यारहवें घर का हाकिम है दो सहबाब पूरी तरह आपके साथ जो है वो कॉपरेट के लिए तैयार होंगे आप अपने गोल्स अचीव करने में कामयाब होंगे आपकी ख्वाहिश की तकमील होगी और जो प्रैक्टिकल जो है वो बनना चाहिए आपको जितना ऑलरेडी आप जितना है उससे भी कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और ये प्रैक्टिकल आपका होगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने टारगेट्स जो हैं उनको हासिल करने के लिए फिर जो आपने पिछले दिनों में कुछ कोशिशें की अपने कैरियर रोजगार के हवाले से अपनी खाचाल की तकमील के हवाले से अपने गोल्स को अचीवमेंट करने के लिए अपनी मादी मफादात के असूल के लिए उन तमाम में इंशाल्लाह आपको कामयाबी की और आप मजीद जो है उन पर काम कर सकेंगे फुल मून आपको नजमज देगा और आपको पहले से कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल कर देगा ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा हो रहा है खाना माल का हाकिम से आपके जायचे के आठवें घर में जो है वो जाके थोड़ा सा नेगेटिव हो गया लेकिन यहीं पर ये जुपिटर के साथ भी जो है वो जिसको हम कहते हैं कंजक्शन में है तो आपके अपने जो माली मामलात हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इस वक्त डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं और अगले दिनों में मज़ीद होंगे लेकिन जुपिटर के साथ होने की वजह से आप जो आपका जो स्पाउज़ है वहाँ से आपका मामला जो है वो चलता रहेगा इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बेहतर प्रॉफिट का असूल जो है वो मुमकिन होगा अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि घर सवारी प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त के हवाले से या फैमिली मैटर्स के हवाले से भी आपके जहनी दबाव में कदर इजाफा हो रहा है लेकिन आप उसको थोड़ा सा सोशलाइज होकर या अपनी बेहतर पॉलिसीज से जो है उसको कवर अप करने में इनशाला कामयाब हो सकते हैं आठवीं प्लेसमेंट वीनस की बहुत अच्छी नहीं है लेकिन जुपिटर के साथ कंजक्शन जो है ये एक बेहतर एस्पेक्ट है जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ मामला आपके फिर भी चल कदरे मतदी अंदाज में चलते रहेंगे आपके तीसरे घर का हाकिम आपके जायचे के दसवें घर में मौजूद है दसवें घर बहुत अच्छा है आप अपनी कोशिशों को बढ़ाते हुए नजर आते हैं स्पेशली अपने कैरियर रोजगार के मैटर्स में इन मैटर्स में आप डेवलपमेंट की तरफ जा वो जाते नजर आ रहे हैं और डे बाय डे डे बाय डे आप इस मामले में काफी आ, एक्टिव होते हुए नजर आते हैं कुछ लोग आ, अपने कुछ फियर्स का भी शिकार हैं चूंकि जम नहीं है कि आ, ये जो वो टारगेट्स एडजस्ट किए बैठे हैं अपने कैरियर रोजगार पर वो मिलता है या नहीं मिलता लेकिन जहाँ पे चूँकि ये तीसरे का भी लॉर्ड हो के और फिर जेमनई में जो कि है ही शाद से मुतलक है उसमें तो स्पेशली वो लोग जो मीडिया से मुतल हैं वो लोग जो जिनकी मामला जो हैं वो ओपन होने से होते हैं जो बैक एंड पे नहीं होते फ्रंट फेस पे कर वो अपने मामला को आगे बढ़ाएंगे और इस मामला में वो बहुत सारे लोगों की हेल्प भी लेंगे और ट्रूली आप जो है एक वाइज सेक्शन को जो है वो खोलने की तरफ तो जा रहे हैं अगले हफ्ते में होगा लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अभी बताता चलूँ क्योंकि मरकरी डेबिलेटिड है इसलिए आपको अपनी गुफ्तू में थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत होगी आपने डिसीजन मेकिंग में भी ध्यान कीजिएगा मरकरी अगले हफ्ते में जो है वो इसके साथ तरबी बनाएगा अभी भी ये तरबी के घरों में ही मौजूद है तो मेंटल स्ट्रेस की सूरत में आप जल्दबाजी में अगर फैसला करेंगे तो ये आपके अगेंस्ट चला जाएगा इसलिए बहुत ही केयरफुली आपको जो है इस मामले को लेके चलना है अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको गाइड कर चूंकि आपके टेंथ का लॉर्ड है सातवां जो है घर आपके शरिक हयात का शरिकार का और दसवाँ आपकी मदर इन लॉ का आपके वालिद का और मार्स आपके छोटे भाइयों से मुतल है तो इन सब के साथ गुफ्तु करते हुए ये बिग डिसीजन की सूरत में आपको कदर एहतियात करनी है अब यहाँ पे ये भी एक चीज़ है कि आपकी किसी गुफ्तु की वजह से आपके जो रिलेशनशिप्स हैं आपके शर्क हयात के साथ आपके जो कार है उसके साथ वो थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं इस वक्त अपने शरकती अज्जवाजी मामला में और अपने जो आ, आपकी रिलेशनशिप के मामलत हैं उसमें बड़े डिसीजन से आपको जो है गुरेज करना चाहिए अपनी एफर्ट्स को लेकर चलें इसके ऊपर अभी काम करें लेकिन अभी आपको कोई राइटिंग में नहीं जाना अभी आपको कोई चेक वगैरह लिख के नहीं देने कोई सी एग्रीमेंट्स को साइन इस वक्त नहीं करना वरना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशल नहीं होंगे बहुत अच्छा होगा अगर आप इन मामला पे वर्क जरूर करें लेकिन डिसीजन इस वक्त जो है वो ना करें ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा और मैं बताता चलूँ कि क्योंकि सातवें घर में आपके जो है वो सन मौजूद है तो आपका जो शरीककार या शरीक हयात है वो इस वक्त एक लॉर्डशिप की कंडीशन में होगा यानी जैसा वो चाह रहा है जो वो चाह रहा है वो करना आ, वो वो ये चाह रहा होगा कि जो मैं चाह रहा हूँ और जैसा मैं चाह रहा हूँ उसी को जो है वो कीजिए किया जाए तो इस बात को भी आपको जो है वो मद्देनजर रखने की जरूरत होगी अब यहां पे एक चीज और बताते चलूँ कि चूंकि बारहवें घर का हाकिम है सन और जो कि आपके सातवें मौजूद है सातवें ये भी बहुत अच्छा नहीं होता सो मैं बता दूं कि कुछ हिडन एनिमीज भी जो है वो आपके मामला को डिस्टर्ब कर सकती हैं कुछ चीज़ें जो आपके लाशौर में हैं जो कि ओपन नहीं है आपको कुछ जिन चीज़ों का फियर है जिन चीज़ों का खौफ है वो भी आपके शरती यादवाजी मामला को डिस्टर्ब करने का बायस बन सकती हैं सो यहाँ पे दो सदक़ात देना अपना मामूल बनाइए एक हर बुध को आधा किलो या पाँच किलो सब्ज़ी या मूंग सबत का सदका दीजिए दूसरा इतवार वाले दिन एक किलो या दस किलो गंदम का सद्का देके इस मामले को कवर करने की कोशिश कीजिएगा इसके अलावा बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने हाथ में एक जमूरत पहने जुमरत इस मामले को बेहतर करता है दूसरा इसके अलावा आप पेरीडॉट पहन सकते हैं आप गिल्सन पहन सकते हैं ग्रीन नगेड पहन सकते हैं जेड पहन सकते हैं और अगर ये आपके पास है तो अगर खातिन हज़रा को मैं कहूँगा कि अगर आप अपने गले में या हाथ में एक फिरोज़ा भी पहने तो भी आप मामला को कदर दानशमंदी के और अपनी तबाह को जो है वो थोड़ा सा माइल्ड करने में इन शाह कामयाब हो सकते हैं बेहतरीन जम स्टून के लिए आप हमारी वेबसाइट जावा जम डॉट कॉम जो है उसको विजिट करके बेहतरीन स्टोन अपने लिए सिलेक्ट करवा सकते हैं जहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ हमने पिछले हफ्ते आपके लिए अनाउंस किया था यकम से आठ स्पेशल डिस्काउंट था आपके लिए जाइट पे वो भी आप अवेल कर सकते हैं क्योंकि अगले दिनों में सेक्टर भी आपके जाइट छे के साथ में घर में आ रहा है इसी हफ्ते में आ रहा है उसके बारे में बताता हूँ तो इंडिविजुअल अगर आपके कोई मैटर्स हैं कोई बड़े फैसले करना चाह रहे हैं कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर बेहतर होगा कि आप अपने इंडिविजुअल चार्ट से रेमेडी लें और इस वक्त डिस्काउंट ऑफर एट ऑफ मार्च तक आपके लिए अवेलेबल है इसके बाद जो अगली चीज आनी है वो होना है जी के सेक्टर ने सात मार्च को ही आपके जाहिर छे के छठे घर से निकल के सातवें घर में आ जाना है ये आपके लिए कदरे बेहतर है लेकिन आ, मैं इसको कदरे बेहतर इसलिए कहूँगा कि साथ में घर में सटन जब आता है तो ये पॉजिटिव होता है ये आपके स्पाउस को आपके रिलेशनशिप को आ, जो है वो इस्तेकाम देता है स्पाउस के मिजाज में तहमुल और बुरदबारी का आंसर जो है वो डेवलप होता है दूसरी तरफ आपकी सातवीं पोजीशन इसकी बहुत अच्छी है आप अपने रिलेशनशिप को ड्यूरेबल करने की तरफ जाते हैं और उसको मज़ीद जो है वो ऐसे इकदाम की तरफ जाते हैं जहाँ पे आपकी ये चीज़ें पायदार हो लेकिन चूँकि छठे का हाकिम गया ये सातवें घर में आ रहा है तो आपके वो एम्प्लॉज़ जो कि उम्र सीधा हैं जो ज़्यादा एज के हैं उन्हें अपने शारती अस्तवाजी मामला में इंटरफेयर करने से आपको जो है वो रोकना है आपके बड़े बच्चे भी आपके लिए एक ब्रिज का यहाँ पे काम करेंगे मैंने इसके ऊपर जो है एक वीडियो की थी सेक्टन इन 2023 वो भी वीडियो यहाँ पे मौजूद है वो देख लीजिएगा और इसके अलावा आपके लिए इन इस सैटरडे नाइट को भी एक वीडियो आ रही है सेटन के ऊपर ही साढ़सत्ती और सेटन के जो मामला हैं उसके ऊपर उसको देख लेंगे तो आपको मज़ीद जो है बेहतर हो जाएगा यहाँ पे आ, उन जो वर्गोज हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है जो कि ओवर एज हो चुके हैं या जो सेकंड मैरिज के लिए विलिंग है या बहुत देर से अपनी पसंद की शादी के लिए कोशिशें थे और नहीं हो रही थी उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी पसंद की शादी या आपकी सेकंड मैरिज होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे सो उम्मीद करता हूँ कि अपकमिंग जो डेज़ हैं वो आपके लिए इन बेहतर होंगे सिर्फ उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस कीजिए जिनके ऊपर मैंने आपको जो है वो लाइट दी कि यहाँ पे आपको बेहतर करना चूँकि वीनस वीनस पर मेरी एक बार फिर जो है वो आगे फोकस ये आपके जायचे के आठवें घर में मौजूद है और नावे हक हाँ के मौके मौजूद है सो इस वक्त ओवरसीज ट्रैवल और स्पेशलाइजेशन के जो मामला हैं जो हायर एजुकेशन के मामला हैं वो कदर है। आपके लिए परेशानियों का हो बायस होंगे वीज़ा प्राई करना इस वक्त बेहतर नहीं होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा कि आपके जो सुरह सुरसाली का हैं वो आपकी मेरिटल लाइफ में इंटरफेयर ना करें इससे आपको थोड़ा सा मामले को जो है वो ब्लॉक करने की जरूरत है उम्मीद करता हूँ आप इस मामले को जो है वो बेहतर अंदाज में इस तरह टैकल कर पाएंगे कि अब आपको पता है कि ये सब कुछ मतवका तौर पे हो सकता है इस उम्मीद के साथ इजाज़ चाहूँगा कि आप जो है वो इस वीडियो को मद्देनजर रखते हुए अपनी बेहतर प्लानिंग करेंगे और आप अपनी जो एक्सपीरियंस होता है वो जरूर शेयर किया करें मैंने जैसे वीनस के आठवें घर में बताया वीनस काफ़ी दिनों से यहाँ पे अब आ चुका हुआ है तो क्या ये माली तौर पे आपके लिए तंगी का बायस बन रहा है क्या आपके लिए भी फियर्स का है आपकी जो फिजिकल रिलेशन है उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं मैं इनशाला देखूंगा इस मामले को और ज़रूर इंतज़ार करूंगा कि आपकी तरफ से फीडबैक क्या आता है

लिब्र उम्मीद करता हूँ फिली आप खैरियत से होंगे और यकीन अपनी शरारती अजदवाजी जिंदगी को आप इंजॉय करें होंगे ड्यू टू टू जु रीजनस एक सबसे पहले आ, तो ये कि सेवन्थ प्लेसमेंट है वीनस की दूसरा जुपिटर के साथ कंज़क्शन जुपिटर और वीनस की कंज़क्शन हमेशा ही बड़े अच्छे असरा जो मुरतब करती है अब इतफाक़ यह है कि एरीज में हालांकि जो जो है वीनस बहुत अच्छा नहीं होता लेकिन उसकी इस कमी को दोनों ने यानी जुपिटर ने और सेवंथ प्लेसमेंट ने जो है वो दूर कर दिया तो आप अपने रिलेशनशिप को वास करने में उसको डेवलप करने में और उनमें बेहतरी के लिए कदम कदम जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है अब उसके साथ साथ आपके खाना माल का हाकिम यार ज़ाहिर चक है नामे घर में है क्योंकि थोड़ा सा वीक है लेकिन आप उसके ऊपर बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं आप अपने विजडम को जो है वो कॉल दे रहे हैं अपनी एफर्ट्स को दे रहे हैं इसके लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने को नॉलेज गेन करने को और नए आइडियाज़ पे काम करने को तैयार हैं कि आप अपनी माली पोजीशन को किस तरह से मुस्तकम कर सकते हैं चूंकि ये नाइन्थ प्लेसमेंट है इसलिए आपको ये बेनिफिट भी मिल रहे हैं फिर इनशाला इनशाला अगले दिनों में अगले चंद ही दिनों में जो है वो वीनस की इसके साथ सेक्सटाइल भी बनेगी मास के साथ तो इस तरह आप अपनी रिलेशनशिप को भी यूज़ करते हुए बहुत बेहतर फैसले कर सकेंगे एंड मुमकिन है कि इसी हवाले से आप अपने शिक्कयात या पार्टनर के साथ जो वर्किंग पार्टनर है उसके साथ मिलकर कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी जो है वो आप कर सकें तीसरे घर का हाकिम आपके जाहिर चाहिए सातवें घर में ये आपके शरारतीवा मामला को डिस्टर्ब होने से बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया है इस वक्त आपके जो बड़े बहन भाई हैं वो एक किस्म का आपके माँ बहन ब्रिज का काम जो है वो करें क्योंकि पिछले दिनों जब मार्स जो है वो टॉरस में था तो काफ़ी सारे मामला डिस्टर्ब हुए लेकिन अब ये मामला आगे की तरफ बढ़े कोई करीबी क्रिपिजीज आपको पार्टनरशिप की ऑफर जो है वो कर सकता है सात मार्च को एक और आपके जायचे में बड़ी अहम पेश हो रही है और वो है मून का आपके जायचे के ट्वेल्थ पार्ट में जो है वो फुल मून होना फुल मून बारहवें घर में होना यानी आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है वो मतवजो होना फ़ौरन से आपको कुछ बेनिफिट्स आपको जो है वो मिलना आप पहले से कहीं ज़्यादा जो है अब मुनजम होके अपने मामला को जो है वो देखेंगे आपको ट्रैवल कर सकते हैं फारन का जो कि कैरियर रोजगार के हवाले के से हो सकता है और आपकी मदर की तरफ से आपको अच्छे आप मामला देख सकते हैं स्परिचुअलिटी आपकी जो है वो भी इनहस होगी और जो आपने गुज्त दिनों काम कर लिए थे उसमें कुछ आपको नई चीज़ें या उसमें कामयाबी इन शिल सकेगी नए आइडियाज पे काम करने के लिए शौरी और लाशौरी दोनों तरह से आप आमादा होंगे और इन शाह आपका विजडम जो है वो डेवलप होगा ये बहुत ही अच्छा इस वक्त आपको जो है वो मौका मिल रहा है इसके बाद अगले जो एक चेंज आना है वो है सेक्टन सेक्टन आपके जायचे के पाँचवें घर में मौजूद था अब ये आपके छठे घर में जो है वो चला जाएगा सात मार्च को ही ये आपके लिए कदर मिला जुला होगा मैंने एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवा चुका हो इंशाल्लाह सैटरडे नाइट को वो आपको मिलेगी वो उसमें भी मैंने इसकी डिटेल बताई है कुछ डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ सेटन का छठे घर में जाना अब आप पहले से कहीं ज़्यादा अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे आपकी जॉब के ऊपर फोकस होगा और लेकिन जॉब के वाले से अब आपको कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा और फैमिली के जो बड़े हैं आ, उनकी तरफ से कुछ बैरियर्स भी आपके सामने जो है वो आएंगे इसी तरह आपके बच्चों के साथ कुछ मामलात थोड़े से अब आपके ट्विस्टेड होंगे और कुछ अखराजा बढ़ेंगे और वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आएंगे कुछ चैलेंजेस का सामना अब आपको सेटन की वजह से करना पड़ेगा और ये जो चेंज है ये तकरीबन ढाई साल का चेंज है ढाई साल के लिए अब सेटर्न आपके जायचे के छठे घर में आ रहा है आ, किसी भी इस तरह के प्लानिट का छठे आठवें और बारहवें घर में आना जो है ये आपके लिए चैलेंज का बायस होता है लेकिन छठे घर में सेटन का आना मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि जो मुशाह है पुराना वो ये है कि अगर आपके ऊपर कोई लॉन है तो ये उससे निकलने के लिए आपके लिए असबाव भी कुदरत जो है वो मुहैया करेगी इसको एक्सपीरियंस है आप इसको जरूर अगले दिनों में जो है वो स्टडी कर सकेंगे यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि मरकरी जो कि आपके जायचे के बारहवें घर के भी लॉर्ड है और आपके जायचे के नौवें घर के भी लॉर्ड है ये आपके जायचे के छठे घर में जो है वो डेबिलेटेड हो चुका हुआ है यहाँ पर सन भी मौजूद है जो कि आपके ग्यारहवें गुड है गवर्नमेंट सेक्टर को भी शो करता है तो आपको चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर आ, स, के साथ भी किसी किस्म के अख्तलाफात से गुरेज करें अपने दो सहबाब के साथ अगर कोई आपको चैलेंज मिल रहा है तो वहाँ से भी आपने जो है वो गुरेज करना है और यहाँ पर सोशाली के साथ कुछ क्लैश की सूरत बन सकती है कुछ वो आपके अगेंस्ट आ सकते हैं तो आपको एहतियात करनी हो स्पेशली अगर आप इम्प्लॉय हैं ख़ुद इम्प्लॉय हैं तो आपको तहरीर और तकरीर के मामला को बड़ी एहतियात के साथ चलाना है आप जो भी करें जो भी लिखें उसको एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा और इमोशनल होकर जॉब छोड़ने की गलती मत कीजिएगा स्पेशली अगर ये कॉल आपको पाकिस्तान से बाहर से आए तो जहन में रख लीजिएगा कि आपके साथ जो कमिटमेंट्स होंगी उनको पूरा नहीं किया जाएगा इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वो आप कहीं भी जॉब के सिस्टम में चले जाएं तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी वहाँ भी सो बेहतर होगा कि जिस माहौल को आप जानते हैं पहचानते हैं वहीं पर रुकना आपके लिए बेहतर होगा आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो वाइट ओपल होता है और इसके अलावा अगर आप अपने कैरियर रोजगार को बेहतर करना चाहते हैं तो आप पर्ल पहन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मामला के लिए होते हैं इन इंफॉर्मेशन के लिए इंडिविजुअल या इजमाही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं और अभी तक जो डिस्काउंट ऑफर थी वो चल रही है या कम से आठ इंडिविजुअल होरोस्कोप के ऊपर आपको डिस्काउंट दिया गया हुआ है आप उसको अवेल करना चाहें बहुत सारे लोग उसको अवेल कर चुके हैं आप भी अवेल करना चाहें तो आप व्हाट्सअप नंबर पर सकते हैं ये एक बेस्ट वे होता है इंफरादी तौर पर अपने मामला को डिस्कस करने के लिए और समझने के लिए और फिर उसका सोल्यूशन जानने के लिए इजाज़त चाहूंगा चैनल पर दोबारा आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा असला मैं हूँ शेख रजा जावा आपका अपना एस्ट्रोलॉजर की टू मार्च आपका ये कैसा गुजर आप खैरियत से होंगे बहुत अच्छी खबरें हैं आपके लिए और कुछ मिली जुली भी हैं दोनों हैं इस हफ्ते में कुछ बड़ी तब्दीलियां हैं सबसे सब पहले तो बताता चलो सेटन जो है वो अपना घर सात मार्च को तब्दील कर रहा है और ये आपके जायचे के चौथे घर से निकल के पांचवें घर में चला जाला जाएगा पांचवें घर में इसकी पोजीशन कुछ मिलीजुली होगी इसके बारे में बताऊंगा दूसरा न्यू मून है इस हफ्ते में और आपके जायचे के ग्यारहवें गुडलक के घर में है ये भी है और एक और कंजक्शन है जुपिटर वीनस की आपके जायचे के छठे में इसके ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले तो बात करूंगा आपके अपने रूलिंग प्लानेट मार्स के ऊपर जायचे के आठवें घर में मौजूद है और थोड़ा सा आपको फियर का शिकार भी कर रहा है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है मैंने इसके लिए पहले भी आपको रिकमेंड किया था कि हर मंगल को नौ ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की सद कलेजी का सदका दे के इसको कवर करने की कोशिश करें ये आपके स्पाउस के साथ आपके जो फिज़िकल मैटर्स हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा और थोड़ा सा एग्रेशन की तरफ भी लेके जाता है आपके स्पाउस को आठवें घर में मार्स की मौजूदगी सम टाइम जो है वो सप्रेशन की तरफ भी ले जाती है अगर आपके जाहचा पैदाइश में जो है आ, कोई प्रॉब्लम हो जाइजा पैदाइश से याद आया कि आपके लिए हमने यकम से आठ मार्च बिग डिस्काउंट जो है आ, वो ऑफ़र किया हुआ है इंडिविजुअल और पे आप अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं जिसको कि जाएचा पैदाइश भी कहते हैं तो उसमें आपके कोई मामलात हों तो आप डिस्कस कर सकते हैं कोई अगली कोई प्लानिंग्स हो कोई मैटर्स हो तो वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है तो उसके ऊपर डिस्काउंट है शाबानुल उमौज़म के हवाले से बहुत सारे लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बुक करवा चुके हैं आपने अगर अभी तक नहीं करवाई तो पहले फुर्सत फर्सत करवा सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर करके अब यहाँ पे दूसरी चीज मैं आपसे स्ट्रांगली कहूंगा कि अपने आदमी एक मरजान पहने आप मरजान नहीं पहन सकते तो गार्नेट पहने या आप जो है वो रेड अगेट भी पहन सकते हैं मेल फीमेल दोनों किसी भी सूरत में जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी तरफ खनम माल का हाकिम अब आपके के छठे घर में मौजूद है और यही आपके जायचे के पांचवें घर का भी लॉर्ड है जो कि आपके जायचे के छोटे घर में मौजूद है और वीनस के साथ कंजेक्शन होगी आपके बच्चे जो हैं उनके कुछ मामला आपके लिए जो है वो मसाइल का बायस बनेंगे कुछ एग्रेशन भी नजर आती है कुछ उनकी जो फाइनेंशियल डिज़ायर्स हैं जो मादी ज़रूरियात हैं उसके हवाले से आपके साथ कुछ क्लैश की सूरत भी जो है यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर बन सकती है और फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है लाशोरी तौर पर भी और कुछ आपके फिज़िकल मामला भी यहाँ पे थोड़े से डिस्टर्ब होंगे पांचवें घर में आपके जो है वो सन और मरकरी दोनों मौजूद हैं पांचवें घर का सन तो बड़ा अच्छा होता है लेकिन मरकरी यहाँ पे डेबिलटेड है तो आपके बच्चों में थोड़ा सा जिसको कहते हैं खुद इख्तियारी खुद मुख्तारी का आंसर जो है वो बढ़ेगा और कुछ नज़रियात में तब्दीलियाँ क्योंकि अब मरकरी साथ में और डेबिलेट भी है सो यहाँ पर कुछ क्लैश की सूरत मुझे बनती नजर आती है मैं आपसे स्ट्रॉन्गली कहूँगा कि जिन दबाव की सूरत में अपने बच्चों को जो है वो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा उनकी मेंटल थेरेपी की ज़रूरत है और नाइनटीन ऑफ मार्च तक चूंकि मरकरी ने यहीं पर रहना है सो so, इन बच्चों के साथ कम अज कम आपको जो है थोड़ा सा इख्लाफी मोड में जाने से गुरेज करना चाहिए मामला तो आपकी ख्वाहिशत के अगेंस्ट होंगे और ये भी लाजमी नहीं होता कि हमारी हर मामला हमारी ख्वाहिशत के मुताबिक जो है वो सेटल हो जाए और सबसे बड़ी बात कि जब हम चाहें सेटल हो जाए ये कुदरत जो है मुख्तलि मौाक़े देती है लेकिन हर वक्त नहीं कई बार हमें चैलेंज भी दिया जाता है कि ये मामला आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो रहा बर वक्त नहीं हो रहा तो आप उसमें क्या रिएक्ट करते हैं इसीलिए कहते हैं कि जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर जो है वो वापस नहीं आता तो इस वक्त में आपको थोड़े तमिल और बुरदवारे का जो है वो मुजाहरा करना है मुमकिन है कि कुछ मामला उधर से भी खराब हो कुछ आप ही कुछ थोड़ी सी गड़बड़ कर जाए तो बेहतर है कि उस तरह से मामला को चलाया जाए कि हमारे मामला हम उनको रिवर्स कर सकते हो हम उन्हें सेटल डाउन कर सकते हो तो ये चंद दिन की बात है जैसे मैंने बताया नाइनटीन को ये यहाँ से इन शह चला जाएगा तो मामला इन शाला बेहतर होते चले जाएंगे आप ऐसी जॉब के असूल में कोशा हैं जहाँ से आपका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो बेहतर से बेहतर होता चला जाए सो so, इस मामले में आपको कदरे अभी थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है सेट्टन सेट्टन आपके तीसरे और चौथे घर का आके में पांचवें घर में चला जाएगा पांचवें घर में नेचुरली सेटन की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती लेकिन पाइसिस में अच्छी है और दूसरी चीज़ जो बड़ी अच्छी होगी ये होगी कि यहाँ बैठ के ये आपके ताले को जो इसकी एक्सपेक्ट बल्कि ताले के एक्सपेक्ट बनेगा आपके सेक्टन के साथ और वो होगा तसलीस का ये आपको प्रैक्टिकलिज्म की तरफ जो है वो लेके जाएगा ये आपके बच्चों में भी तामल और बुरदबारी में जो है उसमें इजाफा करेगा और वो लोग जो के बड़े अरसे से एंगेजमेंट के असूल में कोशा थे उनके लिए भी राह होगी घर सवारी प्रॉपर्टी की इन मामला में बेटरमेंट आएगी रिलेशनशिप स्पेशली अपने बहन भाइयों के साथ अब आप, आपका जो है वो एक नया मोड़ लेने की तरफ तो चलेगा और ये चेंज होगा मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी आपको दी थी सेक्टर इन 2023 आ, हमारे चैनल पे मौजूद है मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के एंड पे आपको वो भी मिल जाए ताकि आप उसको भी एक नज़र देख लें और सेक्टर पर ही हमने एक और वीडियो जो है वो दी है आ, आपके लिए भी है चूँकि समटाइम ऐसा होता है कि सन का तो हमें पता है कहाँ पर असेंडेंट और मून साइन क्या है वो इंडिविजुअल चार्ट से ही पता चलते हैं तो कई बार हम सरसती जैसे हालात से गुजर रहे होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमारी साठ सती है वो इंडिविजुअल चार्ट को बनता है तो पता चलता है कि अच्छा आपका मून जो है वो कहीं पे चेंज था असेंडेंट आपका जो है वो ऐसा बन गया तो इंडिविजुअल चार्ट की मदद भी आप ले सकते हैं इन शाह नाइट को वो वीडियो भी आपके लिए जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी जरूर देख लीजिएगा चैनल पर दोबारा आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कीजिएगा और बेतिन जमसुम के लिए आप हमारी वेबसाइट जावा जम डॉट कॉम जो है वो विजिट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि मर चले अभी हम इस पर बात करते हैं कि मरकरी आपके जाहिर चेक है पाँचवें घर में जो है वो पहले से आ चुका हुआ है पांचवें घर का लॉर्ड जुपेटर भी जो है आगे चल रहा है आपके बच्चों के साथ आपके स्पेशली जो बड़े बच्चे हैं उनके साथ आपका रिलेशन किस तरह का चल रहा है ये बहुत ही अहम सवाल है क्या आप उस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं उस फेज से गुजर रहे हैं जो कि मैंने भी बताया अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा इंशाल्लाह मैं मुंतजिर रहूंगा और जब भी राय कमेंट्स दिया करें तो अपना जॉर्डिक साइन जरूर लिखा करें कि आप किस जॉडिक साइन के अक्सर लोग कमेंट्स कर देते हैं सवाल भी करते हैं लेकिन ना वो ना जॉडिक साइन वो वाजे नहीं करते चूंकि एक वीडियो में चार जॉडिक साइन होते हैं पता नहीं होता ये किस जॉडिक साइन के हैं जो इन्होंने सवाल किया है तो इसको जरूर वाजे कीजिएगा